हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर मोहम्मद यासीन। आज हम बात करते हैं प्लांटर फेशाइटिस। प्लांटर फेशाइटिस क्या होता है? प्लांटर फेशाइटिस जो होता है ये हमारे पैर में होता है। जब हम सुबह में उठते हैं, हम अक्सर देखते हैं लोगों को कि वो कंप्लेन करते हैं कि चलने पर उनकी एड़ियों में दर्द होता है। जो उनकी एड़ियों में दर्द होता है, क्योंकि प्लांटर फेशियाई जो है, फेशियाई जो होता है वो आपका टिश्यूज़ का बना होता है। टिश्यूज़ कहाँ होते हैं? मसल्स में होते हैं। तो जो मसल्स हैं उस पर क्या होता है, स्वेलिंग आ जाती है, थोड़ा टाइटनेस आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम होगा तो उससे पेन शुरू हो जाता है। तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए क्या करना चाहिए, हमें इसका इलाज क्या है? देखिए, इसकी कई सारी वजह होती है। विटामिन डी थ्री की कमी से भी हो जाता है, कैल्शियम की कमी से भी हो जाता है, और ज़्यादा देर खड़े रहने से भी हो जाता है। जो लोग मोटे होते हैं वो ज़्यादा देर खड़े रहते हैं, तो उनके वजन की वजह से जब वजन बढ़ता है तब भी वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। देखिए, अब इसके लिए हमें करना क्या चाहिए, एक तो हमें अपने ये जो वजन है वजन को कम करना, जिन लोगों का वजन ज्यादा है उनको वजन कम करना चाहिए, और विटामिन डी को आपको लेना चाहिए, क्योंकि इसमें धूप में चल ज़्यादातर कोशिश क्या करें कि धूप जरूर लें, और इसकी एक्सरसाइज करनी चाहिए। एक्सरसाइज और कोशिश ये करें कि ज़्यादा देर खड़े ना हों, और इसके बचाव के लिए ज़्यादा ऊंचाई से कूदे ना, इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। और इसमें देखिए, आप क्या कर सकते हैं, हॉट और कोल्ड फॉर्मेंटेशन कर सकते हैं, गर्म पानी से सिकाई कर सकते हैं, क्योंकि 10 मिनट गर्म पानी से और 10 मिनट ठंडे पानी से, ये आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा।